777 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था टैक्सोनॉमी, कि हम अपने आर्टिकल को ऐड करते समय टैक्सोनॉमी के थ्रू हम टैग प्रोवाइड करा रहे थे, कि उसके बाद जो हम करेंगे इस वीडियो में वो करेंगे कि रिलेटेड आर्टिकल, अगर किसी हम आर्टिकल पे जाते हैं तो उसके रिलेटेड आर्टिकल शो कराने हैं हमको, कि इससे रिलेटेड आर्टिकल ये सारे हैं। तो दोस्तों, कुछ आर्टिकल मैंने इसमें अपनी वेबसाइट पे ऐड किए हैं और उनके साथ हमने उसको टैग भी प्रोवाइड किए हैं कि ये इस टैग से रिलेटेड आर्टिकल है और ये इस टैग से रिलेटेड आर्टिकल है। अब दोस्तों, इसके आगे हम लोग करेंगे, चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पे, एक व्यू ऐड करते हैं और इस व्यू के थ्रू हम एक ब्लॉग बनाएंगे और इस व्यू का नाम रख देते हैं रिलेटेड आर्टिकल्स। और अगर हम आर्टिकल्स बना रहे हैं तो कंटेंट टाइप भी हम आर्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम पेज नहीं बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, तो हम पेज पे अनचेक करके क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद बाकी सब डिफ़ॉल्ट में रखते कंटिन्यू एंड एडिट कर देंगे। देखिए दोस्तों, वो रिलेटेड आर्टिकल जो आर्टिकल में जितने भी हमारे पास हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट 5 लगी हुई है, लिमिट 5 है, तो 5 आर्टिकल्स हमारे यहाँ पर फेच हो रहे हैं। अब दूसरा काम ये करेंगे कि हम टैग्स कॉन्टेक्चुअल फ़िल्टर में जाएंगे। कॉन्टेक्चुअल फ़िल्टर में जाने के बाद हम इसमें जिस जो हमने आर्टिकल को टैगिंग सिस्टम प्रोवाइड किया था, तो उसमें उस वाली टैग को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। वो आपको नीचे मिलेगी, ये रही कंटेंट टैग और ये जेके नोड आर्टिकल। इससे पता चल रहा है कि आर्टिकल से का जो टैगिंग सिस्टम है ये है। इसको हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे टैक्सोनॉमी टर्म आईडी फ्रॉम यूआरएल, ठीक है। इस पर इसको अनचेक कर देंगे, लोड एंड डिफ़ॉल्ट फिल्टर नोड पेज, आपको फ्रॉम नोड पेज से लोड कराना है, इसलिए हम ये सेलेक्ट करेंगे। लिमिट टर्म बाय वोकैबुलरी टैग्स पे चेक कर देंगे कि टैग है। उसके बाद हमें एनी टर्म से चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए ये चला गया, क्योंकि अब जो भी कंटेंट फेच होगा वो यूआरएल के थ्रू होगा। जैसे हम कोई आईडी यहाँ देते हैं और अपडेट करते हैं, तो देखिए ये जो आर्टिकल आया, अब यूआरएल से कॉल होके जो आर्टिकल अपने पेज पे फेच होगा। इसको सेव कर लेते हैं। दोस्तों, हमने ब्लॉग बनाया था तो हमें इसके लिए ब्लॉग पे जाना पड़ेगा, वो मिलेगा आपको स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ब्लॉग। यह जो आपने बनाया रिलेटेड आर्टिकल्स, इसको हम कर देंगे साइड बार फर्स्ट में, ताकि हमें आर्टिकल के बगल में इसको टॉप पे कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से और इसको सेव करेंगे एक बार। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, क्योंकि हमें सब पेज पे नहीं दिखाना है, केवल आर्टिकल पेज पे ही चाहिए और आर्टिकल पेज पे ही आर्टिकल, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर यूआरएल डाल दें, कि हमें जैसे कि हमारा आर्टिकल्स है तो हमें ये इस तरीके से चाहिए कि आर्टिकल स्लैश के बाद जो भी कुछ है एस्ट्रिक उस पेज पे दिखे, क्योंकि वो सारे आर्टिकल होंगे। और क्योंकि हमें पास दूसरा ऑप्शन भी है, कंटेंट टाइप में हम जाएंगे, हम ये यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि ये जो आर्टिकल है, ये जो ब्लॉग है, ये केवल स्पेसिफिक कंटेंट टाइप के लिए ही दिखे,
हम अगर आर्टिकल पे क्लिक कर दें तो केवल ये ब्लॉक जो आएगा वो आर्टिकल पे ही आएगा, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। सेव कर देते हैं। अब चलते हैं अपने होम पेज पे। अब जो पहला आर्टिकल है इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जो टैग लगा है ड्रूपल 7 और ड्रूपल डेवलप, देखिए ये रिलेटेड जो है इससे ये टैग आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। अभी देखिए जो रिलेटेड आर्टिकल यूजिंग व्यू, तो सेम आर्टिकल है और उसका उसके में भी सेम आ रहा है, तो ये फ़ायदा नहीं है इससे। तो इसको थोड़ा सा सही करते हैं, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन सही करते हैं। तो यहाँ पर जो अनफॉर्मेटेड लिस्ट है इसको हम HTML लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। HTML लिस्ट जब हम प्रोवाइड कराएंगे, अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर इसमें लिस्ट टाइप यानी कि ULI का ऑप्शन हमें मिल जाएगा, तो थोड़ा सा लुक वाइज सही हो जाएगा। सेव करके देख लेते हैं। रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए अब हाइलाइटेड भी आ गया है कि ये इस पेज पे है, तो ये इसी आर्टिकल से रिलेटेड है, और ये थोड़ी ULI लग गया है। अपने व्यू पे चलते हैं और यहाँ आपको अदर्स के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग मिलेगी। इसकी सेटिंग पे आप जाएंगे। सेटिंग पे जाने पर आपको डिस्टिंक्ट बस एक बार क्लिक करके अप्लाई कर देना है। इससे ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लाएगा। और इसके बाद हम सेव कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है अभी दोस्तों, अब इसके लिए डुप्लीकेट के लिए क्या कीजिए, जैसे उसी आर्टिकल पे है ये और वही आर्टिकल यहाँ भी आ रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे अपने कॉन्टेक्चुअल फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर कंटेंट NID सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ कंटेंट NID सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई। यहाँ पर वही करेंगे प्रोवाइड इन डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइप में। अब हम सेलेक्ट करेंगे कंटेंट ID फ्रॉम URL और मोर में आएंगे और यहाँ पर ये एक्सक्लूड पे चेक करके अप्लाई कर देंगे। सेव कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं। देखिए चला गया, जो रिलेटेड आर्टिकल पहले नंबर पे आ रहा था वो चला गया। अब आप क्लिक करिए इस पर। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल आया, देखिए अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आर्टिकल ये आ गया। तो क्या ये अब रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे अपने आर्टिकल पेज पे रिलेटेड आर्टिकल दिखा सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।